आधे लेना सांस जोर से हाँ ऐसे तो भाई अभी बज रहे हैं सुबह के मतलब आज के सुबह के 1:30 हम उठे हैं और हमें अभी 2:30 पर निकलना है। तो फ्रेश होने पर होंगे, चाय नाश्ता वगैरह करेंगे और विजय जी भी उठ चुके हैं। और अभी एक सीन हुआ कि ये शायद आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी, हमारे जो बाहर जो भोटिया कुत्ते होते हैं, ये देखो ये भौंक रहा है, ये साउंड सुनिए आप। ये हमारे यहाँ पे लोकल जो ये है टेंट वाले, इनके भोटिया डॉग्स होते हैं। तो अभी जैकल की आवाज़ आई थी बहुत तेज़, जो है लोमड़ी चिल्ला रही थी, तो तभी ये वापस कुत्ते चिल्लाए और शायद इन पे कोई फाइट फाइट हुई। तो भाई देखिए ये जंगल है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो अभी हम निकलते हैं, बताते हैं आपको। एक्चुअल में हेडलाइट से बात कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, तो इसलिए आँख नहीं खुल रही मेरी। और ये मेरे हमारा टेंट उधर करो लाइट, ये ऐसे हम सोए थे। और ये इस तरीके से हमारे सब है। भाग्य दिखाते हैं आपको कुछ। तो भाई अभी बज रहे हैं 3:00 और हम लोग निकल चुके हैं। ये हमारा ग्रुप है, थोड़ा सा हाइक पे आते ही हम व्यवस्थित हो रहे हैं, हाँ सभी एक दूसरे के साथ। शायद आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि LED है। और चलो थोड़ा कहीं रोशनी होती तो दिखाते हैं आपको। कैमरा पकड़ने वाला ना कूल होने भाई, इस तरीके से चल रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा। ये पूरी खाई है, ये जो छोटे छोटे डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे हमारे लोग जा रहे हैं सर पे LED बांध के। तो इस तरीके से हेलो, वो ट्रेकिंग के लिए जाएगा ना, नहीं पूछेगा मम्मी के लिए कुछ बोलना है। अरे क्या आप चलो भाई, ये देखो पूरी बर्फ और यहाँ पूरी ब्लैक आइस है। क्या लग रहा है अभी तक? बहुत बढ़िया एकदम अमेजिंग। लो आप पे फ्लैश करो। हाँ ये देखो, ये चलो भाई, यार ये माथे पे टॉर्च मत मारो यार, ये भाई वीडियो बना रहा हूँ। सही है सत्यम? सब सही एकदम। चल तो भाई, वो नीचे से तकरीबन 1 किलोमीटर से आगे हम आ चुके हैं, ये आगे है ना। और अब ये लगा रहे हैं जूतों में स्पाइक्स, ये स्पाइक्स लगा रहे हैं ताकि अच्छे से ग्रिपिंग बन जाएगा। आगे है पूरी स्नो, ये देखो कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ हिम्मत हार रहे हैं लेकिन ठीक है भाई, धीरे धीरे चलते हैं। ठीक है भाई, लगाते हैं और आगे चलते हैं। तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर हम पूरा बर्फ में चले, मतलब इतना टफ नहीं था, इजी भी नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत मज़ा आया, मतलब अभी तक का सबसे तगड़ा एक्सपीरियंस बोल सकते हैं। और अभी हम पहुँचे हैं 1 मिनट, एक्चुअल में यहाँ पे अभी 3:15 ही बज रहे हैं। तो ये विजय जी ठीक हो? हैं ठीक है। क्या कैसा रहा एक्सपीरियंस? हाँ चल लेंगे समिट तक चलेंगे। हाँ तो भाई टी पॉइंट तक पहुँचे हैं, कुछ कर ले फिर उसके बाद में चलते हैं। ये हमारे धोखेबाज, गौर से देखो इन चेहरों, बिल्कुल हम लोग अभी जस्ट पहुंचे हैं, हमें छोड़ के आप लोग आगे चले गए हो, हम लोग सबसे पीछे हैं लग रहा था। नहीं, नहीं, पीछे लग रहा था। चाय भाई बना दो यार कुछ। और महावीर भाई मस्त हैं, हमें छोड़ के आए, मतलब क्या लग रहा है आपको? हमें चाय पीने की चाय की चुस्की में मजा आ रहा है, बाकी तो है ज्यादा नहीं। पैर यार अब बढ़िया, हाँ थैंक यू।
वो पड़ी है मेरे पास अभी, वो उस टाइम आए थे ना क्रैम को, उस टाइम फर्स्ट डे चाय दो ना, दो चाय दो तीन, सत्यम चाय लेगा दो दे दो, ठीक है भाई आगे बताते हैं। हेलो जोरदार यार, यहाँ तक तो इजी था यार, आराम से मतलब बस अब इजी है सारा, कल फालतू का पहले भी ले लेते हैं। ये देखो भाई चाय वाय पी लेते हैं फिर चलते हैं, एक मिनट पकड़ना बंद करो तो डीजे वाले ले गोली तो वाला भी ना जस्ट कुछ रहा हूँ या नहीं दिख रहा हूँ, ठीक है मैं अभी अकेला खड़ा हूँ और पीछे पूरा बर्फ और वो वहाँ है केदारकंठा, वो वहाँ है केदारकंठा और महादेव को यही कह रहा हूँ कि बस वहाँ तक एक और बुला ले और दर्शन करवा दे अच्छे से बिना किसी दुख के जैसे अभी तक किया। चलो भाई हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये कौन सी पीक है, कुछ आइडिया है, कोई पीक वीक थोड़ी है ये, अभी जा खड़े स्मॉल समिट, ये मेरा शेर स्मॉल समिट तक आ गए बैच भाई देख नहीं रहा, सुबह दिखाएंगे, टॉप ऑफ द वर्ल्ड है अभी, अभी और जाएंगे, अभी कितना है चढ़ जाएंगे ना, मैं जब तक मैं तब तक चल ओहो लौंडे चल चेक करो चलो। ये भाई समिट से हाफ एन किलोमीटर बचे हैं, हिमांशु और हिमांशु, हेलो महावीर भाई, महावीर भाई नहीं है यहाँ पे, ओ प्रहलाद भाई, हाँ प्रहलाद जी, कैसे लेना सांस जोर से, जोर से हाँ ऐसे चले, हाँ नहीं करना फूकना है सांस को, अच्छा जब ना मुंह से बाहर करे तो फूक के, हाँ जोर से चलो, वन दो से तो देखिए भाई सन आ रहा धीरे धीरे, चलते हैं अब ये लास्ट स्ट्रेच है और थोड़ा रॉक फेस है यहाँ पे, शायद वीडियो में तो नहीं आ रहा होगा तो ये यहाँ से देख लीजिए आप, ये देखिए ये इतनी जद्दोजहद के बाद जिस चीज़ का इंतज़ार था वहाँ पे हम पहुँच चुके हैं और ये है पीछे हमारे समिट और पीछे हमारा वो भाई जिसने उम्मीद बताई कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं हूँ, थैंक यू सो मच, ट्रिप ऑन हिमालय, ट्रिप ऑन हिमालय, अभी तो सारा सब ट्रिप ऑन हिमालय का करेंगे, ये देखो थोड़ा स्मेल रखो यार, थार श्री हो तो देखो हमारे बाड़मेर के थार श्री रेगिस्तान में ऊंट चलाने वाले आज बर्फों में, आ जा इधर आ जाऊंगा अंकित, आ जा ओ भाई, बस अब ये एक 200 मीटर का स्ट्रेच और है 100 मीटर का, बस ये थोड़ा सा ही चढ़ना फिर आ गया ट्रैक, क्या सुंदर लग रहे हो यार विजय जी हैं, और अपन एकदम जकास, पानी चल रहा है, हाँ पानी वो तो मस्त हाईलाइट है, चलो भाई चलते हैं।
अरे आ गए यार, अब क्या। चलो भाई, कुदरत का करिश्मा देखिए, ये यहाँ से हुआ सनराइज, ये हमारा पूरा केदारकंठा, और यहाँ पे मून, वो उधर पीछे मून है ना, सन और मून दोनों एक साइड, और ये पूरा पीक्स, सारे स्नो माउंटेन्स पीक्स। चलो चलो चलते हैं आगे। चलो यार, चाय कॉफी वगैरह पीछे, कुछ मजा आ गया भाई। चलो इनसाइड चलो। नहीं लगा, नहीं दे दे, मेरे को पानी दे, पूरा दे, पूरा दे, पूरा दे, ढक्कन भी दे, ढक्कन ढक्कन तू रखेगा क्या? अब क्या करना है? कम भी इसको दे, बोलते हैं उसके बाद क्या जिम्मेदारी, फिर कभी बुलाना हमें, बाकी आशीर्वाद बनाए रखो, हर हर महादेव। भाई पहुंच रही है, भाई पहुंच रही है। तो मम्मी कहां, अभी कहां पे? अभी केदारकंठा पीक पे, पीक पे 12,500 फीट पे। ओके, सो ऑल ऑफ यू कांग्रेचुलेशन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो अभी थोड़ा सा इसके बारे में, इसके बारे में इस चीज को याद रखना, ऐसे नहीं कि यहां बताया नीचे भूल गए। अगर आपको नॉलेज रहेगा थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा। सही है, सही है। वैली के अंदर जो वैली एंड हो रहा है ना, हाँ, वहीं पे हरकेदुन है। ओके, ठीक है। हाँ, तो ये जो हरकेदुन ट्रैक है, ये इस सांकरी रीजन का सबसे ओल्डेस्ट ट्रैक है। ओके, ओके, जो बहुत सारे पीक्स दिख रहे हैं ना वहाँ, हाँ हाँ हाँ, जहाँ पे एंड हो रहा है ये वैली, हाँ हाँ, बहुत सारे पीक्स हैं, हाँ हाँ, तो हाटा पीक्स, 8 पीक्स है वहाँ पे, तो हाटा पीक्स बोलते हैं। ओके, हाटा पीक्स। ओके, और फिर राइट है जो सबसे बड़ा दिख रहा है, एक ही माउंट पे 4 पीक्स दिख, हाँ वो वाले, वो स्वर्ग रोहिणी, जहाँ से स्वर्ग रोहिणी, यही से युधिष्ठिर स्वर्ग गए थे कुत्ते के साथ। हाँ, तो उसका यम था वो, हाँ, कुत्ता तो खैर उनका, हाँ, अलग रूप था, यमराज था वो, हाँ, यमराज। फिर इधर से राइट में आ जाओ, जो आगे से ब्लैक दिख रहा है ना लास्ट में, पीछे, हाँ, आगे से ब्लैक है, पीछे से स्नो कवर, हाँ हाँ, ये ब्लैक ये पीक है, हाँ, वो ऑलमोस्ट 21,000 फीट है। ओह, ना 21,000, कौन सा वाला? वो ब्लैक पीक जो एक सोलो है वो, हाँ, जो सोलो है ना आगे से ब्लैक है, हाँ, वो है 21,000। स्वर्ग रोहिणी 20,500। ओहो, ठीक है, ये ग्रेटर हिमालय में आता है। अच्छा, पिक्स है ना ये, फेमस पिक्स। और ब्लैक पिक के राइट में जो दिख रही है ना, बिल्कुल दो पिक्स, दो पिक्स साथ में, वो बंदर पूंछ पिक है। ओके ओके, वो वाली, वो कितना फीट है? वो भी इतना ही, 20 के अराउंड है वो। हेलो एवरीवन, आजा ओके, आजा आजा, ओके, एक नंबर, थोड़ा सा बस ज्यादा नहीं। बाद में राइट में नीचे वो है द्रौपदी का डंडा, डीकेडी बोलते हैं, जहाँ जब एडवांस कोर्स होता है ना एनआईएम में, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेन में, ओके ओके, हाँ हाँ, उसका एडवांस कोर्स जो होता है ना, उसको जब एडवांस कराते हैं तो एडवांस जो भी स्टूडेंट स्टूडेंट होते हैं उनको क्लाइंब करवाते हैं। ओके, द्रौपदी का डंडा, द्रौपदी का, ये केदारकंठा क्या है, इजी मॉडरेट? इजी है, मॉडरेट है क्या केदारकंठा? केदारकंठा अभी इजी है, इजी है, जब गर्मी गिर जाएगी तो मॉडरेट हो जाएगा, गर्मी गिर जाएगी, बर्फ गिर जाएगी। ओके, ठीक है, ओके। फिर अगर तुम नीचे, अगर ये तुमको ही वैली दिख रहा सामने इधर, ये जो एक अभी तुमको ध्यान से देखेगा तो एक टावर देखेगा, एक जो बहुत सारा घना बादल दिख रहा है, ये मंदिर है भोले बाबा का, अभी दर्शन करते हैं। जय भोलेनाथ, हर हर भोलेनाथ। उत्तरकाशी है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है। तो भाई ये पूरा व्यू है, हाँ, अब जाने का समय है, पीछे भोले बाबा का धाम है, उनसे अलविदा लेते हैं। कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें होती है जो आप बता नहीं सकते, उनमें से ये एक हमारे एक एक्सपीरियंस है। होप सो आपको शायद वीडियो में चीज़ें समझ आई हो, हम यहाँ तक कैसे पहुँचे, कैसे नहीं, कितनी तकलीफें थी। वैसे ऐसे ट्रैक में कोई तकलीफ नहीं थी,
बस ये है कि मेरे लेग्स में जो क्रैम्प है उन्होंने मेरी हालत ख़राब कर दी, लेकिन जब तक ये अपने साथ है तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस नाम पे हर हर महादेव करते हैं और नेक्स्ट टाइम देखते हैं जो भी बाबा का होता है बुलावा तो ज़रूर आते हैं। ये देखो भाई ये पूरा व्यू है यहाँ का, ये तो हमें लेके आया उसकी खुशी है। कुछ मीठा हो जाए आपका हमेशा साथ रहा साथ में। डार्क चॉकलेट भी खाना है आगे खाएंगे रे। थैंक यू वेलकम भाई। अंतिम बार दर्शन करते हैं बाबा के और अब उतर रहे हैं धीरे धीरे। उतरना भी इजी नहीं है भाई, कोई नहीं आप सब लोग साथ है यहाँ तक आए हैं नीचे भी पहुँच जाएंगे। पहुँचेंगे पहुँचेंगे जरूर पहुँचेंगे। भैरुनाथ जी का मंदिर है अभी नीचे। जय भैरु बाबा। बाकी ये मैम बहुत मोटिवेशनल भी है और बहुत स्ट्रिक्ट भी है। चलते हैं नहीं। आपका नाम क्या है मैम बताओ बताओ। हाँ मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इनमें इतनी एनर्जी आई कहाँ से। एक्सपीरियंस है भैया एक्सपीरियंस सबको मतलब बड़े अच्छे से बच्चों की तरह लेके आए। क्या करें जिद्दी बच्चे हैं सारे। हाँ बिगड़ेल बच्चे बिगड़े नहीं कहना माना आपका सबने ये बात है। तो देखो वहाँ नीचे जाना है। जय हो भैरुनाथ। ओहो मंदिर है क्या इधर। हाँ भैरुनाथ के माथा टेक लेते हैं यहीं से। जय हो जय हो जय हो जय हो बाबा भैरुनाथ जय हो। गणेश जी का है। हाँ तोम गणेश नहीं वहाँ लिखा हुआ था भैरुनाथ। कोई नहीं यार सब एक ही है श्रद्धा होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात बोले। भाई वहाँ चलते हैं नीचे। हो भाई मेरे क्या व्यू है यार वैली देखिए आप। और देखिए ऐसे हम उतर रहे हैं ये ऐसे ऐसे तिरछे पैर रख के ऐसे। ये देखिए ये लोग आ रहे हैं ना। भाई रिस्की है ठीक है व्यू बहुत शानदार है मन कर रहा है कि शूट करते हुए चलूँ लेकिन सीरियसली रिस्की है। जितना बनता है उतना करना है। उतर दे भाई देखो ऐसे धीरे धीरे। भाई यहाँ के नज़ारे ऐसा है ना कि मन कर रहा है कंटिन्यू कैमरा ऑन ही रखूं सच में। बैटरी डाउन हो जाएगी। हाँ बैटरी डाउन हो जाएगी और फिर आप और बोर तो नहीं होंगे ये गारंटी है। अगर मैं यहाँ की एक घंटे का भी शूट करके लेके जाऊँ ना आप बोर नहीं होंगे। ये देखिए भाई क्या वैली है ये देखिए। हेलो क्या वेली है भाई। टाइम की लिमिटेशंस है वरना मन तो कर रहा है कि यहीं पे कुछ घंटे बैठे रहें और बढ़िया उस जैसे ये पॉइंट है ना यहाँ पे बैठ जाओ और आराम से देखते रहो ऐसे क्या बोलता बैठ जाओ एक मान लेते हैं। नजारे पसंद आ रहे हो तो हर हर महादेव जरूर लिखना।